अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिस्ट्री ऑफ क्लास सिक्स। काइंडली ओपन द बुक्स। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मुस्लिम इन साउथ एशिया, ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कि मुस्लिम जो है वो एशिया में कैसे आए थे। हमने पढ़ा था कि देबल सिंध कैसे कन्वर्ट हुआ, और कैसे कन्वर्ट हुआ था, किसने किया था, सुल्तान महमूद मोहम्मद बिन कासिम ने कन्वर्ट किया था। इसके अलावा हमने सुल्तान महमूद गजनवी के टाइम पीरियड को डिस्कस किया था। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने ये डिस्कस किया था शहाबुद्दीन गौरी की जो फर्स्ट वार जो थी पृथ्वीराज के साथ, उनकी फर्स्ट वार जो हुई थी उसमें उन्होंने शिकस्त हो गई थी। सेकेंड वॉर में वो उन्होंने ये जंग जो थी वो उन्होंने जीत ली थी और पृथ्वीराज को शिकस्त हुई थी। नेक्स्ट अभी हम इसी को ही गौरी टाइम पीरियड को ही हम कंटिन्यू करते हैं। इन्वेजन्स ऑन कन्नूज 1194, महमूद मोहम्मद गौरी इन्वेड कन्नूज इन 1194 एंड डिफीटेड राजा जयपाल। उसके बाद उन्हें 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने कन्नूज के ऊपर उन्हें हमला किया और राजा जयपाल को भी उन्होंने शिकस्त दे दी। अचीवमेंट्स, उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी। सुल्तान मेंटेन पीस एंड बिहेव वेल विद द पब्लिक। ही पेड स्पेशल अटेंशन टूवर्ड फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ही मेड मिलिट्री मैटर्स बेटर। ही ऑल्सो प्रोटेक्टेड टू रोड्स इन द कंट्री। इन दिल्ली सरमन द रिलीजियस एड्रेस वॉज स्टडी विद हिज नेम। सुल्तान एस्टेब्लिश अ स्टेबल मुस्लिम गवर्नमेंट इन इंडिया एंड एंडेड द रूल ऑफ द हिंदूज। उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, उनकी क्या क्या कामयाबियाँ थी। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपने मुल्क में हिंदुस्तान के अंदर पीस उन्होंने मेनटेन किया, और वहाँ के जो आवाम थे उसके साथ वो बहुत अच्छा बिहेवियर करते थे। उन्होंने जस्टिस इक्वालिटी को उन्होंने अपने मुल्क में नाफिस किया। उन्होंने फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भी उन्होंने स्टेप्स लिए, क्योंकि किसी मुल्क को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस। उन्होंने इन चीज़ों को बेटर किया, अपनी मिलिट्री को उन्होंने बेटर किया, उन्होंने इक्विपमेंट्स उनको दिए, उन्होंने वेपन्स दिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी रोड्स उनको उन्होंने प्रोटेक्ट किया। रोड को उन्होंने प्रोटेक्ट कैसे किया, उस दौर में ट्रेड होती थी, वो ट्रेड कैसे होती थी, बाय रोड होती थी। जब कोई काफिला आता था, ये जो ट्रेडर्स अपना सामान लेके आते थे, तो वहाँ के जो पायरेट्स होते थे, उस इलाके के जो पायरेट्स होते थे वो उनको लूट लेते थे। डाकू जो होते थे उनका सामान को लूट लेते थे। उन्होंने ऐसी फोर्सेस बनाई जो वहाँ पे हर वक्त उन रोड्स पे जो है वो हर वक्त उन रोड्स को वो प्रोटेक्ट करती थी, पेट्रोलिंग करती रहती थी, वो उन रोड्स को प्रोटेक्ट करती थी। इसके अलावा जो शहाबुद्दीन गौरी जो थे, उन्होंने हिंदुस्तान में इंडिया में मुस्लिम गवर्नमेंट की बुनियाद रखी, और इससे हिंदू गवर्नमेंट जो थी उसका खात्मा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डायनेस्टी आ जाती है, वो है स्लेव डायनेस्टी 1206 to 1290। सुल्तान महमूद गौरी हैड नो ऑफस्प्रिंग ऑफ हिज ओन, देयरफॉर ही रिगार्डेड टर्क स्लेव एज हिज ओन सन। आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान शहाबुद्दीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज किंगडम वॉज डिवॉल्व ऑन हिज स्लेव। देयरफॉर दिस पीरियड इज कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान महमूद गौरी जो थे, उनका अपना कोई बेटा नहीं था, उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट, एक स्लेव जो था, तुर्क स्लेव जो था, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उन्होंने उसको ख़रीदा था और उसको अपने बेटे की तरह पाला था। शहाबुद्दीन गौरी की डेथ के बाद जो किंगडम, जो रियासत जो थी, रियासत की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ गई, और इस दौर हुकूमत को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। स्लेव डायनेस्टी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक स्लेव था, शहाबुद्दीन गौरी ने उसको परचेज किया था, उसको खरीद के उसको अपना बेटा बनाया था, फिर बाद में वो बादशाह बन गया था। तो इस स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210, इसको हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ तारनीम सुल्तान शहाबुद्दीन अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन हिज वॉइस इन द सब कॉन्टिनेंट एंड ही हिमसेल्फ वेंट टू गजनी। जो तैरियन के जो टू वॉर्स जो हुई थी, फर्स्ट वार में शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त हो गई थी, सेकंड वार उन्होंने वन कर ली थी। उसके बाद उन्होंने उनका जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक था, उन्होंने उसको सब कॉन्टिनेंट का वॉइसराय बना दिया, और फिर वो खुद गजनी चली गई। आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान महमूद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक असेंडेड द थ्रोन इन लाहौर अंडर द टाइटल ऑफ सुल्तान। ठीक है, शहाबुद्दीन गौरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको तख्त पे बिठा दिया गया, उसको बादशाह बना दिया गया। उसको क्या टाइटल दिया गया, सुल्तान का टाइटल उनको मिला। ही वाज़ द फर्स्ट किंग हु रिप्लेस्ड दिल्ली विद लाहौर एज द कैपिटल एंड इन बिगिन अ न्यू पीरियड ऑफ द किंगडम। ही पेड स्पेशल अटेंशन टुवर्ड द मैनेजमेंट एंड पीस ऑफ द कंकर्ड एरियाज। और वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने दिल्ली को लाहौर के साथ रिप्लेस किया, और दिल्ली को उन्होंने कैपिटल बना लिया, और उसके बाद किंगडम जो रियासत थी उसका एक नया
दौर शुरू हो गया। उन्होंने मैनेजमेंट और फाइनेंस की तरफ बहुत तवज्जो दी। उन्होंने मैनेजमेंट के अफेयर्स को उन्होंने बेटर किया, और उसके अलावा जब किसी इलाके को फतह कर लेते थे तो उसके पीस की तरफ भी उस इलाके को उसके बेटर मैनेजमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत से स्टेप्स लिए। सुल्तान कुतुब ऐबक वॉज अ स्टेट्स मैन। ही मेड द तुर्क सरदार नोबल मैन एंड आर्मी चीफ ज्वाइन विद हिम बाई गिविंग देम हाई स्टेटस एंड रिवॉर्ड। He forged relation with powerful local chief. He got his sister married to the ruler of Sindh and Multan, Nasiruddin Kabacha. कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत स्टेट्समैन। स्टेट्समैन क्या होता है? बहुत अच्छा मुंतजिम, यानी कि बहुत अच्छे निज़ाम को चलाने वाला। वो बहुत अच्छे स्टेट्समैन थे, क्योंकि वो टर्की से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने अपने उस दौर में अपने मुल्क में तुर्कों को उन्होंने हाई स्टेटस दिया, हाई रैंक्स दिए उनको। इसके अलावा उस इलाके के जो चीफ थे, जो पावरफुल लोग जो थे, वो जो वेल्दी लोग जो थे, उन्होंने उनके साथ उन्होंने अपने तालुकात को बहुत अच्छा किया, रिलेशन को अच्छा किया। इसके बाद उन्होंने अपनी सिस्टर, उनकी जो बहन थी, उसकी शादी सिंध के रूलर मोहम्मद नासिरुद्दीन कबाचा से उनकी शादी की अपने बहन की। ही रिस्टोर्ड हिज अथॉरिटी इन बंगाल। ही एस्टेब्लिश जस्टिस। ही बिहेव द हिंदूज वेल। ही अबॉलिश्ड ऑल अनफेयर एंड अन इस्लामिक टैक्सेस। ठीक है, और वो अपने उस इलाके के जो मुस्लिम जो थे उनके साथ वो अच्छा सलूक करते थे। इसके अलावा वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ जो थे, जो हिंदूज जो थे, जो वहाँ पे क्रिश्चियन जो रहते थे, उसके साथ भी वो बहुत अच्छा बिहेवियर करते थे। इसके अलावा उन्होंने अन इस्लामिक और अन अफेयर टैक्स जो थे उस इलाके में, जो लोगों में जो अन अफेयर टैक्सेज जो लगाए गए थे, वो उन्होंने उन सबको ख़त्म कर लिया। ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन आर्ट एंड एग्रीकल्चर और आर्किटेक्चर और आर्ट में भी इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही मेड मैनी बिल्डिंग्स बट कुतवाल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली, कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा आर द ग्रेट इम्पोर्टेंस। कुतुब मीनार वॉज बिल्ट इन मेमरी ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हैज़ अ हाइट ऑफ अबाउट 78 मीटर। कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में बहुत मशहूर बिल्डिंग्स जो थी उनके दौर में बनाई गई। कौन कौन सी मशहूर बिल्डिंग्स हैं उनके दौर की? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, कुतुब मीनार बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके कुतुब मीनार जो था वो 78 मीटर हाई है, और ये किसकी याद में बनाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ये बनाया गया था। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा वॉज द प्लेजर ऑफ कंक्वेस्ट ऑफ अजमेर। अजमेर शरीफ को उन्होंने कंकर्ट किया था, उसकी खुशी में उन्होंने ये बनाया था। कुतुबुद्दीन डाइड इन 1210 इन लाहौर वाइल प्लेइंग पोलो ऑन हिज हॉर्स। जब वो हॉर्स पे पोलो खेल रहे थे तो उस दौरान उसकी डेथ हो गई थी 1210 में। तो उनकी क्या एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने क्या 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 उनकी अचीवमेंट्स थी, वो कब से, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर जो थे, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे। उन्होंने अपने कंट्री में, अपने एरिया में, अपने स्टेट्स में उन्होंने पीस फैलाने के लिए, उन्होंने पीस के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। मैनेजमेंट को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, अपनी मिनिस्ट्री को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। इसके अलावा उनके दौर में बहुत मशहूर और यादगार बिल्डिंग्स उनके दौर में बनाई गई। कौन कौन सी मशहूर बिल्डिंग उनके दौर में बनाई गई? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, कुतुब मीनार बहुत मशहूर है उस दौर में, और उनकी डेथ कब हुई? 1210 में लाहौर में 1210 में उनकी डेथ हुई। नेक्स्ट जो हमारे पास डायनेस्टी आ जाती है वो है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश, 1211 टू 1235। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश बिलोंग टू टर्क रेस एंड वॉज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ही वॉज वेरी बोल्ड इन एडवेंचरर। हिज ब्रदर स्कॉल्ड हिम ड्यू टू जेलसी। आफ्टर इट सुल्तान कुतुबुद्दीन परचेज्ड हिम एंड वॉज रूलर ऑफ गालोर एंड गॉट हिज डॉटर मैरिड विद हिम। सुल्तान शमसुद्दीन जो थे वो तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखते थे, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक शमसुद्दीन अल्तमिश जो था उनके भाई ने जैसे की मना पर उनको सेल आउट कर दिया था, और फिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश ने उन्होंने उनको परचेज किया था। परचेज करने के बाद उन्होंने उनको अपने पास रखा, और उनको गालोर का उन्होंने उनको खलीफा बना लिया, उनके बेटी से शादी कर लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन अल्तमिश असेंडिंग द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ शमसुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो खलीफा जिनको बनाया गया वो शमसुद्दीन थे। वो शमसुद्दीन अल्तमिश थे, उनको टाइटल क्या दिया था? शमसुद्दीन। व्हेन सुल्तान शमसुद्दीन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंगडम ही हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम। द रिवॉल्ट स्टार्टेड इन द कंट्री। जब शमसुद्दीन ने अपना तख्त संभाला तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का उनको सामना करना पड़ा। कंट्रीज़ में रिवॉल्ट्स होते हैं बगावत, कंट्रीज़ में बहुत सी बगावतें फूट पड़ी। द मेगा प्रोविंस अनाउंस द अटोनमी। अटोनमी क्या होता है? ख़ुद मुख्तियार रियासत का बंगाल ने ऐलान कर दिया। इन सिंध एंड मुल्तान नासिरुद्दीन कबाचा रिवॉल्ट एंड गॉट अटोनमी।
इसके अलावा बंगाल ने भी रिवॉल्ट कर दिया, और इसके अलावा मुल्तान में जो नासिरुद्दीन के बादशाह जो थे उन्होंने भी अपने खुद मुख्तार रियासत का ऐलान कर दिया। ताजुद्दीन यल्दौज ऑक्यूपाइड लाहौर, राजपूत चीफटेंस आल्सो स्टार्टेड रिवॉल्ट अंडर सच सर्कमस्टांसेस अल्टीमेट कंट्रोल ऑल प्रॉब्लम डिफिकल्टी ड्यू टू सगेस्टी ही एस्टैब्लिश्ड अ स्टेबल गवर्नमेंट बाय यूनाइटिंग ऑल डिसऑर्डर्ड एरिया। सुल्तान अल्टीमेट completed Kotwal Islam Mosque in Delhi as well as Qutub Minar. Sultan Iltutmish was the first Muslim ruler who issued Arabian style standardized coins. जब शम्सुद्दीन अल्तुतमिश ने जब तख्त संभाला तो उसको उनको बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का उनको सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ स्टेट्स के जो लोग थे उन्होंने उनसे बगावत का ऐलान कर दिया। कौन कौन किन किन लोगों ने उनसे बगावत का ऐलान किया? नासिरुद्दीन कबाजा जो मुल्तान के जो रूलर थे उन्होंने भी अपने खुद मुख्तार रियासत का ऐलान कर दिया। इसके अलावा बंगाल का जो खलीफा था उसने भी, बंगाल का जो बादशाह था उसने भी अपने खुद मुख्तार रियासत का ऐलान कर दिया। इसके अलावा अपने स्टेट से भी बहुत से लोगों ने बगावत का ऐलान कर दिया था, लेकिन जो कुतुबुद्दीन शमसुद्दीन अल्तुतमिश थे उन्होंने इन सारी बगावतों का खात्मा किया और फिर से अपने मुल्क को, अपने स्टेट्स को उन्होंने स्टेबल कर लिया। सुल्तान अल्तुतमिश ने कोतवाल इस्लाम मौजूद थी उन्होंने उसको कंप्लीट किया और वो फर्स्ट रूलर हैं जिन्होंने अरेबियन स्टाइल को उन्होंने कॉइंस को उन्होंने अपने मुल्क में मुतारफ, अपने स्टेट में मुतारफ किया। ही वॉज अ लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ही एस्टैब्लिश्ड जस्टिस इन पब्लिक। सुल्तान मेडा मजलिस ऑफ हिज लॉयल्स दैट एडवाइस द किंग पीपल हु जॉइन द मजलिस फॉर कॉल 40 चीफ मैन। सुल्तान अल्तुतमिश डाइड इन 1235। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश जो थे वो भी आर्ट एंड लिटरेचर के वो लवर थे। इसके अलावा उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसे उनकी एक मजलिस बनाई थी, ऐसे लॉयर और ऐसे पढ़े लिखे लोगों की उन्होंने मजलिस बनाई थी जो उनको मुख्तलिफ मामलात में उनको एडवाइस करते थे, और इस मजलिस में जो लोग थे उनको वो क्या क्या नाम देते थे? 40 चीफ मैन। ठीक है, सुल्तान अल्तुतमिश की डेथ हुई वो 1235 में उनकी डेथ हुई। सुल्तान अल्तुतमिश के बाद नेक्स्ट जो टाइम पीरियड आता है, नेक्स्ट जो डायनेस्टी आती है वो है अल्तुतमिश के बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड जो आता है वो रज़िया सुल्ताना का आता है, जो 1236 से 1240 तक उनका टाइम पीरियड है। रज़िया सुल्ताना वाज द डॉटर ऑफ अल्तुतमिश। इन द पीरियड ऑफ सुल्ताना रज़िया द सुल्ताना वाज द फर्स्ट वेमेन हु असेंडेड द थ्रोन। शी वाज अ वेमेन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज। शी टुक कीन इंटरेस्ट इन द जनरेशन ऑफ द किंगडम इन कंपेरिजन विद हर ब्रदर। रज़िया सुल्ताना जो थी वो अल्तुतमिश की बेटी थी और वो पहली वेमेन थी जिनको जो तख्त पर बैठी जिन्होंने रूल किया सब कॉन्टिनेंट पे। वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ रखने वाली खातून थी। इसके अलावा उन्होंने रियासत के वो जो स्टेट्स जो थी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में उनका बहुत कीन इंटरेस्ट था, बहुत डीप ऑब्जर्वर वो थी। ही हैड एडमिनिस्ट्रेट द अफेयर ऑफ द किंगडम इन द एबसेंस ऑफ हर फादर। अपने फादर के एबसेंस में एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी काम होते वो सब वो देखती थी, एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर जो होते थे वो देखती थी। आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान अल्तुतमिश द नोबल्स मेड रज़िया द सुल्ताना असेंडेड लेड द थ्रोन इन दिल्ली इन 1236 AD। और सुल्तान अल्तुतमिश की डेथ के बाद रज़िया सुल्ताना को नई बादशाह उनको बनाया गया, नई सुल्तान उनको बनाया गया 1236 में। अब रज़िया सुल्ताना को क्या क्या प्रॉब्लम हुई हम देखते हैं। रज़िया सुल्ताना असेंडेड द थ्रोन द टर्किश चीफ अपोज्ड इट व्हाइल द पीपल ऑफ दिल्ली स्टूड बाय रज़िया टिल द लास्ट मोमेंट। जब रज़िया सुल्ताना को सुल्तान बनाया गया तो जो टर्किश चीफ जो थे उन्होंने इसकी मुखालफत की, लेकिन दिल्ली के जो लोग थे वो रज़िया सुल्ताना के साथ खड़े रहे। शी न्यू वेल अबाउट द अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। शी टुक होल्ड द प्रॉब्लम्स एट द डिफिकल्ट टाइम। द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस रिवोल्टेड एंड द हिंदूज डिवेटेड। शी सप्रेस्ड द रिवोल्ट्स थ्रू पीसफुल डिस्कशन। उनके टाइम पीरियड में वहाँ के लोगों ने उनके खिलाफ बगावत कर ली थी, लेकिन उन्होंने सारी बगावतों को उन्हें सप्रेस्ड कर दिया अपनी डिस्कशन के लिए से। शी मैरिड अ रिबेलियस टर्क अमीर मालिक अल्तुआना। शी इनकोडेड द रिबेलियस बट शी वॉज डिफीटेड। उनकी मैरिज जो थी, उनकी शादी जो है वो एक रिबेलियस तुर्क अमीर मालिक अल्तुआना से हुई। इसके साथ उनका मुकाबला हुआ लेकिन उन्हें शिकस्त होगी। ऑल्दो रज़िया सुल्ताना रूल ओनली 4 years येट शी रिमूव ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टेकल ड्यू टू हर स्केसिटी। अगरचे उनका जो टाइम पीरियड जो था वो सिर्फ 4 years का था, लेकिन इस 4 years में एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी रिकावटें जो थी, एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी भी रिकावटें जो थी वो उन्होंने उसको ख़त्म कर लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ रज़िया हर ब्रदर बहराम शाह रिमेंड द रूलर फ्रॉम 1242 टू 1242। आफ्टर बहराम शाह द सन ऑफ
रुकनुद्दीन सुल्तान मसूद असेंडेड द थ्रोन, शी सून फेल इन मैरी मेकिंग फॉर विच हिज अंकल सुल्तान नासुद्दीन टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंगडम इन 1246। रजिया सुल्ताना के बाद उनका भाई जो है था वो तख्त पे बैठा, बहराम शाह तख्त पे बैठा, लेकिन उसके बाद उसका टाइम पीरियड भी जो था वो सिर्फ 2 ईयर्स का रहा। उसके बाद रुकनुद्दीन जो था वो तख्त पे बैठा, लेकिन रुकनुद्दीन जो था वो उसे रियासत के अफेयर्स में, रियासत के मैटर्स में उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वो मैरी मेकिंग में पड़ गया, वो ऐशो-इशरत की ज़िंदगी में पड़ गया, जिसकी वजह से सुल्तान नासुद्दीन जो था उसने उसे उस सारी रियासत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो ले ली 1246 में। नेक्स्ट है वो है सुल्तान नासुद्दीन 1246 टू 1266। इनका टाइम पीरियड जो है वो 1246 से 1266 तक है। सुल्तान नासुद्दीन वॉज द यंगर सन ऑफ द सुल्तान अल्तमिश, हु बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल। He ascended the throne in 1246. He was least interested in the state affairs. Sultan Nasruddin जो था वो सुल्तान अल्तमिश का सबसे छोटा बेटा था, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बादशाह कब बनाया गया, उसको तख्त पे कब बिठाया गया 1246 में, और उसको रियासत के अफेयर्स में, स्टेट के अफेयर में उसका बिल्कुल भी लीस्ट इंटरेस्ट था, बहुत कम इंटरेस्ट था। ही अपॉइंटेड या गसुद्दीन बलबन हिज मिनिस्टर, उसने गसुद्दीन बलबन को अपना वजीर बनाया, मिनिस्टर बनाया। बिन सुल्तान नासुद्दीन असेंडेड द थ्रोन, द मंगोल स्टार्टेड ब्लडशेड इन लाहौर एंड मुल्तान। सुल्तान नासुद्दीन सेंट बलबन टू पनिश देम, बलबन क्रश्ड सुअरली द रिबेलियंस ऑफ हिज ब्रदर किश्लो खान इन 1956 AD। सिंग ऑल पावर्स इन द हैंड ऑफ बलबन, टर्क चीफ स्टूड अगेंस्ट सुल्तान नासुद्दीन इन 1256 एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम सुप्रीमेसी। ठीक है, सुल्तान नासुद्दीन जो था जब उसको तख्त पे बिठाया गया 1246 में, उसको तख्त पे बिठाया गया तो उसके साथ ही मंगोल जो थे उन्होंने मुल्तान और लाहौर में मुल्तान उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए, ब्लडशेड उन्होंने शुरू कर दिया। सुल्तान नासुद्दीन जो था उन्होंने बलबन उसका जो वजीर था उसने उसकी सरबराही में फ़ौज भेजी, जिसने वो जो मंगोल जो थे मंगोलों की उसने शिकस्त थी। इसके बाद जब तुर्कों ने यह देखा कि सारी पावर जो है वो बलबन के हाथ में है, सुल्तान नासुद्दीन तो वो है तो खिलाफत तो उसके पास है, खिलाफत नहीं सॉरी तख्त पे तो वो बैठा हुआ है, लेकिन सारे मामला को कौन हैंडल करता था, सुल्तान बलबन। ये सब देखते हुए तुर्कों ने उसकी मुखालफत कर दी और उसे उसकी खिलाफत तस्लीम करने से उसको इनकार कर दिया। सुल्तान नासुद्दीन रूल फॉर 20 ईयर्स, बट रियल पावर वर रेस्टेड विद बलबन। 20 ईयर्स से उसकी हुकूमत रही, लेकिन रियल पावर किसके पास थी, बलबन उसके एडमिनिस्ट्रेटर जो था उसका मिनिस्टर जो था उसके पास ही एडमिनिस्टर द किंगडम प्रॉपरली। ही चेस वेयरली टू द हिंदूज राजपूत एंड खोकर नासुद्दीन डाइड इन 1266। सुल्तान नासुद्दीन ने हिंदूज राजपूत और खोकर को उसने बहुत सजाएं दी, बड़ी बड़ी सजाएं दी, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई 1266 में। नासुद्दीन के बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड जो शुरू होता है वो है गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन कौन था, वो नासुद्दीन का मिनिस्टर था, उसका वजीर था। द रियल नेम ऑफ बलबन वॉज बहाउद्दीन एंड ही बिलोंग टू टर्क रेस। ही पोजेस्ड द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज, ही रूल्ड हार्शली। सुल्तान अल्तमिश परचेज हिम एज स्लेव इन 1233 AD। यासुद्दीन बलबन का जो रियल नेम जो था उसका रियल नेम क्या था, बहाउद्दीन था, और वो तुर्क कबीले से, तुर्क नसल से वो ताल्लुक़ रखता था। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी क्वालिटीज थी, वो बहुत हार्शली रूल करता था, वो सब किस्म का वो सियासतदान था। सुल्तान अल्तमिश ने उसे 1233 में उसे ख़रीद लिया था, वो एक स्लेव था, सुल्तान अल्तमिश ने उसे ख़रीद लिया था। सोन ही मेड प्लेस इन द हार्ट ऑफ किंग ड्यू टू हिज गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज, लेकिन जल्द ही उसने बादशाह के दिल में अपना मकाम बना लिया। ही अडॉप्टेड टाइटल ऑफ गियासुद्दीन बलबन, असेंडेड द थ्रोन इन 1266। ठीक है, उसका टाइटल क्या था, गियासुद्दीन उसका टाइटल था। उसके बाद उसे 1266 में उसे तख्त पे बिठाया गया आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान नासुद्दीन। नासुद्दीन की डेथ के बाद उसको तख्त पे बिठाया गया। हैविंग असेंडेड द थ्रोन ही अबॉलिश्ड द अथॉरिटी ऑफ 40 chieftains। 40 chieftains की अथॉरिटी को उसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके इन्वेजन्स मुगल्स के खिलाफ, उसके इन्वेजन्स क्या थी, मंगोल्स पे उसने कब हमला किया, इन द बिगनिंग ऑफ 30th century। मंगोल्स हैड अटेंड एब्सोल्यूट मिलिट्री पावर इन सेंट्रल एशिया आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ बगदाद। द इन्वेडेड हिंदुस्तान कॉन्स्टेंटली इन 1273 AD। द बलबन इनकाउंटर्ड देम, बोथ हिज सन मोहम्मद खान एंड बगरा खान डिफीटेड द मंगोल्स नियर दीपालपुर इन 1285 AD। मंगोल इन्वेडेड विद ग्रेट फोर्स, इन विच द एल्डेस्ट सन ऑफ बलबन नेम मोहम्मद सुल्तान वॉज किल्ड, बट सुल्तान पुश्ड हिम फार ऑफ एंड चेस्ड हिम ऑफ द इंडियन बॉर्डर।
30th सेंचुरी में जो मंगोल जो थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए होते गए। सबसे पहले तो उन्होंने बगदाद पे हमला किया, बगदाद को उन्होंने फतह कर लिया। उसके बाद बगदाद फतह करने के बाद उन्हें 1278 में उन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया, इंडिया का रुख किया। इनको रोकने के लिए, मंगोल्स को रोकने के लिए गियासुद्दीन बलबल ने अपने दो बेटे मोहम्मद खान और बगरा खान के हाथ उन्होंने एक फ़ौज भेजी, जिसको जिन्होंने मंगोल्स को दीपालपुर के मुकाम पर उन्होंने उनको शिकस्त दी। अब ये शिकस्त खाने के बाद जो मंगोल जो थे वो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने अपनी ताकत को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद एक बहुत बड़ी फोर्स के साथ उन्होंने दोबारा से गियासुद्दीन बलबन की रियासत पर उन्होंने हमला कर दिया। इस पे इस जंग में इस टाइम पीरियड के दौरान के जो छोटा बेटा था गियासुद्दीन बलबन का, जो छोटा बेटा था सुल्तान मोहम्मद सुल्तान जो था वो मारा गया इस हमले में। लेकिन सुल्तान महमूद जो गियासुद्दीन बलबन जो था उन्होंने बहुत ताकत से उसका मुकाबला किया और उन्हें इंडियन बॉर्डर से उन्हें परे धकेल दिया, उन्होंने वहाँ से उनको निकाल दिया। बलबन टुक मेनी स्टेप्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द डेंजर्स ऑफ मंगोलों के हमलों को खतरों को रोकने के लिए उन्होंने बहुत से स्टेप्स लिए। ड्यू टू दीज स्टेप द डेंजर ऑफ मंगोल इन्वेजन एंडेड फॉर एवर। उनके स्टेप्स की वजह से जो थे उनके इन्वेजन का जो खतरा जो था वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। द सेलेंट फीचर्स ऑफ मंगोल पॉलिसी ऑफ बलबन वर फॉलोइंग। बलबन चेंज द पॉलिसी ऑफ गोइंग फॉर ऑफ एरियाज ऑफ द किंगडम फॉर मिलिट्री एक्सपेडिशन। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द कैपिटल ऑफ किंगडम टू एनकाउंटर द मंगोल इन्वेजन इन टाइम। बलबन ने क्या किया, बलबन ने दूर दराज एरिया को फतह करने के बजाय उन्होंने अपनी रियासत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने रियासत के इस्तेकाम के लिए उन्होंने अपने मुल्क के अंदर रहने को तरजीह दी और उन्होंने अपने मुल्क के अंदर रहते हुए ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जिसकी वजह से मंगोलों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। बलबन इंश्योर द लॉयल्टी ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द फ्रंटियर एरिया स्पेशली द खोखर। इन दिस वे मंगोल्स कुड नॉट गेट अ अपॉर्चुनिटी टू एंटर इंडिया साइलेंटली। उसके बाद सेकेंड स्टेप उन्होंने क्या किया, जो फ्रंटियर एरिया जो थी, जो कबायली एरियाज थे वहाँ के कबायल के साथ वहाँ के जो ट्राइब्स थे उन ट्राइब्स की लॉयल्टी को उन्हें इंश्योर किया, उनकी लॉयल्टी को इंश्योर इसलिए किया ताकि मंगोल जो है वो गद्दारी करते हुए मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर, मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर खामोशी से ना आ सकें। बलबन रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी एंड इक्विप्ड द सोल्जर विद मॉडर्न वेपन्स। उसने अपनी आर्मी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज्ड किया और उनको नए मॉडर्न टाइम के वेपन्स और इक्विपमेंट्स उनको दिए। बलबन मेड अ नंबर ऑफ फोर्ट इन द फ्रंटियर एरियाज एंड स्टेशन आर्म ट्रूप्स देयर। ड्यू टू दिस मंगोल हैड टू फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसके बाद उसने क्या किया, फ्रंटियर एरिया जो थे, जो सरहदी इलाके जो थे मुल्क के, जो सरहदी इलाके जो थे वहाँ पे उसने बहुत से फोर्ट्स बनाए। फोर्ट्स क्या होते हैं, किले को कहते हैं, किले बनाए और उस पर उन्होंने वहाँ के लिए उसने एक मुस्तकिल उन्होंने फौज रख ली जो वहाँ पे किलों में ही रहती थी। किले बनाने की वजह से, फोर्ट्स की वजह से जो मंगोल जो थे उन्होंने उन्हें हर हर मकाम पर जहाँ से वो एंटर हो सकते थे मुल्क के अंदर, उनको वहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। बलबन अपॉइंटेड एबल चीफ्स एंड जनरल टू डिफेंड फ्रंटियर एरिया। इट मेड बलबन मंगोल पॉलिसी सक्सेसफुल एंड टू गेट रिड ऑफ मेनेस ऑफ मंगोल्स। बलबन ने फ्रंटियर एरिया जो थे वहाँ पर उसने एबल चीफ्स उन्हें मुकर्रर किए और उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से मंगोल्स का मुल्क के अंदर आना हमेशा पॉसिबल ना रहा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेंटेनेंस पीस एंड ऑर्डर्स। बलबन ने अपने मुल्क के अंदर, अपने स्टेट्स के अंदर पीस को कैसे मेंटेन किया। बलबन वांटेड टू क्रिएट सच फियर ऑफ गवर्नमेंट इन द हार्ट ऑफ पीपल सो दैट दे माइट नॉट थिंक फॉर रिबिलियंस। बलबन से अपनी उनकी जो पब्लिक थी उसके अंदर उसने इस तरह का उन्हें डर पैदा कर दिया कि वहाँ पे स्टेट्स के अंदर से कोई बंदा उठ के उसके खिलाफ कोई किसी किस्म की कोई बगावत करने की जरूरत नहीं कर सकता था। व्हेनेवर एनी एनिमी रेज्ड इट्स हैड द क्रेश हार्डली। जब भी कोई दुश्मन के खिलाफ खड़ा होता या कोई गद्दारी करने की कोशिश करता तो उसको बुरी तरह से उसको ख़त्म कर लिया जाता। द रिबेलियंस ऑफ बगदाद वर पनिश्ड हैवीली। बंगाल के जो रिबेलियंस जो बाकी जो थे उनको बहुत बुरी तरह से उनको सजाएं दी गई। बलबन टू ग्रेट के रफ कोर्ट मैनरिज्म द मेंटेन द रेंजर ऑफिस कोर्ट। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन रीऑर्गेनाइज हिज आर्मी। ही कंस्ट्रक्टेड न्यू फोर्ट। ही ब्रॉट द फ्यूडल स्टेट टू एन एंड। सुल्तान रूल फॉर 20 ईयर। वन ही हैड सेट दैट द किंग शुड मेक द स्टेट्स अफेयर ऑफ हिज कंट्री बेटर एंड एस्टेब्लिश पीस एंड ऑर्डर इंस्टेड ऑफ इन्वेडिंग ऑफ द अदर कंट्रीज। द पीरियड ऑफ हिज रिजेम वॉज नॉन फॉर पीस एंड ऑर्डर। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन डाइड इन 1286। गियासुद्दीन ये जो थे गियासुद्दीन बलबन जो थे
उन्होंने अपने टाइम पीरियड में अपने स्टेट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्टेट्स के अंदर पीस मेंटेन करने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। उन्होंने बजाय इसके कि दूसरी कंट्रीज दूसरे इलाकों को वो फतह करते, इन्वेडेड करते, उनको कंकर्ट करते, इसके बजाय उन्होंने अपनी रियासत अपने स्टेट्स के अंदर उन्होंने फोकस किया, अपने स्टेटस के अंदर उन्होंने अपने स्टेट के अंदर उन्होंने अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग किया। उन्होंने पब्लिक के दिल में इस तरह का खौफ पैदा कर दिया कि अगर किसी की किस्म की कोई भी गद्दारी करने की कोशिश करता तो वो गद्दारी करने से पहले, किसी किस्म की कोई रिबेलियस एक्टिविटी करने से पहले वो बहुत बार वो सोचना पड़ता उसे, और अगर कुछ तरह कोई कोई काम कर लेता तो उससे बहुत बुरी तरह से उसको सजाएं दी जाती थी। यासुद्दीन बलबन का ये कहना था कि बजाय इसके कि दूसरे इलाकों को हम फतह करें, हमें सबसे पहले अपने स्टेट्स के अफेयर को देखना चाहिए। उसका जो टाइम पीरियड है, यासुद्दीन बलबन का जो टाइम पीरियड है, वो पीस के लिए मशहूर है। यासुद्दीन बलबन की जो डेथ है वो 1286 में उनकी डेथ हुई। इनकी डेथ के बाद नेक्स्ट जो तख्त पे बैठी वो थी सुल्तान मोइज़ुद्दीन क्योकब 1287-1290 AD। सुल्तान यासुद्दीन बलबन वॉज द लास्ट एवर रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। आफ्टर हिज डेथ 1286 AD द किंगडम लीडिंग टू इट्स डिसइंटीग्रेशन। सुल्तान यासुद्दीन बलबन जो थे वो अपनी टाइम पीरियड के उस स्लेव डायनेस्टी के आखिरी एबल रूलर थे। उसके बाद उनके डेथ के बाद जो है वो सुल्तान मोइज़ुद्दीन कायकबाद को तख्त पे बिठाया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन कोतवाल ऑफ दिल्ली इज इग्नोरिंग द विल ऑफ बलबन असन ऑफ बेगड़ा खान नेम कायकबाद असेंडेड द थ्रोन। He was 17 years old. The young man was unaware of the ruling techniques. He fell in merrymaking after the handing over the kingdom to the Prince Minister Nizamuddin. बलबन की डेथ के बाद कुछ हाँ दिल्ली के जो कोतवाल थे उन्होंने यासुद्दीन बलबन की विल को उन्होंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद जो कायकबाद जो था उसको उन्होंने खिलाफत उसके बाद उसको उसको खिलाफत पे तख्त पे बैठा दिया। वो 17 ईयर्स ओल्ड एक बच्चा था, उसको वो रियासत को चलाने के तौर तरीकों से वो बिल्कुल नाफाकिफ था। जब उसको तख्त पे बैठा दिया गया उसके बाद वो ऐशो इशरत की जिंदगी में पड़ गया, और वो उस रियासत के जितने भी अफेयर्स थे, जितने भी मैटर्स थे, वो उसने जो थे रियासत के स्टेज के सारे मैटर्स उसने निज़ामुद्दीन के हवाले कर दिए। विन बगड़ा खान केम टू दिल्ली इन 1288 AD। ही आस्क्ड हिज सन टू डिसमिस निज़ामुद्दीन। कायकबाद एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ हिज फादर। इन 1290 AD कायकबाद suffered from paralyzed stroke. He ruled only for 3 years. After this, the chief of Delhi placed the royal throne a 3-year-old son of Kaikbad. 1288 में बगड़ा खान जो है वो दिल्ली में आया, उसने अपने बेटे से कहा कि वो निज़ामुद्दीन को डिसमिस कर दे, उसका मर्डर कर दे, उसको तख्त से हटा दे। 1290 में उसने ऐसा ही किया। उसके बाद निज़ामुद्दीन की डेथ के बाद उसका एक बेटा था 3-year-old। 1288 में जब बगड़ा खान जो था वो दिल्ली आया, उसने अपने बेटे को एडवाइस की कि वो निज़ामुद्दीन का जो है वो उसका खात्मा कर दे, उसको डिसमिस कर दे। कायकबाद जो था उसने अपने फादर की एडवाइस पे अमल किया, और वो जो कायकबाद जो था उसको उसने ख़त्म करवा दिया। उसके ख़त्म करने के बाद उसका 3-year-old बेटा था, उसको उन्होंने तख्त पे बैठा दिया। आफ्टर दिस द चीफ्स ऑफ दिल्ली प्लेस्ड अ रॉयल थ्रोन अ 3-year-old सन ऑफ कायकबाद। ठीक है, उसकी डेथ के बाद कायकबाद का 3-year-old बेटा था, उसको उन्होंने तख्त पे बैठा दिया। द किंगडम कुड नॉट गेट स्टेबली इन व्यूइंग ऑल ऑफ इट। एक 3-year-old बच्चा तख्त को नहीं संभाल सकता, वो स्टेट्स के अफेयर्स, स्टेट के मैटर को वो नहीं संभाल सकता। इसके बाद जो स्टेबिलिटी जो थी, किंगडम की स्टेबिलिटी जो थी वो ख़त्म होगी। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी को बाइट थ्रोन इन 1290 में जलालुद्दीन खिलजी जो था उसने तख्त पे कब्जा कर लिया। उसने एक नई डायनेस्टी की बुनियाद रखी जो थी खिलजी डायनेस्टी। एज अ रिजल्ट द स्लेव डायनेस्टी एंडेड, बट इट लेफ्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इसके साथ ही स्लेव डायनेस्टी का खात्मा हो गया, लेकिन इस सब ने सब कॉन्टिनेंट की जो पॉलिटिक्स थी उस पर एक बहुत गहरा असर डाला। ठीक है स्टूडेंट्स, वी हैव डन द रीडिंग। हमने क्या क्या डिस्कस किया, मुस्लिम इन साउथ एशिया को हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम सिंह में कैसे आए, उन्होंने सिंह को कैसे कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने सुल्तान महमूद गजनवी के टाइम पीरियड को हमने डिस्कस किया। गोरी डायनेस्टी को डिस्कस किया। गोरी डायनेस्टी को डिस्कस करने के बाद हमने स्लेव डायनेस्टी को हमने डिस्कस किया। स्लेव डायनेस्टी में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमिश रज़ी सुल्ताना, इनकी डायनेस्टी को हमने डिस्कस किया। उनके टाइम पीरियड को हमने डिस्कस किया। उनकी हमने प्रॉब्लम देखी। हमने देखी कि वहाँ लोगों ने डिफरेंट स्टेट्स को कैसे रिवॉल्व किया, लेकिन उन्होंने उन सब प्रॉब्लम्स को कैसे ओवर किया। सुल्तान नासरुद्दीन के टाइम पीरियड को भी हमने डिस्कस किया। इसके साथ हमने देखा कि मंगोल्स जब उन्होंने स्टेट्स पर हमला किया
तो गियासुद्दीन बलबल ने उन मंगोल्स के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की और मंगोल्स को की पावर को उन्होंने कैसे ख़त्म किया, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर अपने स्टेट्स के अंदर लाइन ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया, पीस को कैसे मेंटेन किया। उसके बाद हमने देखा कि वो जो सिलेव डायनेस्टी थी उसका स्टेबिलिटी कैसे ख़त्म हो गई खिलजी डायनेस्टी एंड पर खिलजी डायनेस्टी अगर खिलजी डायनेस्टी ने जो सिलेव डायनेस्टी थी उसका खात्मा कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर की थोड़ा रीडिंग करनी है, उसमें जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आपने बना लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि चैप्टर जो एमसीक्यूज आते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो इनसाइड द चैप्टर आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको चैप्टर से आएँ। ये जो डिटेल क्वेश्चन के नोट्स जो हैं ये आपको नोट्स फॉर्म में मिल जाएंगे, आप स्कूल ऑफिस विजिट करें आपको स्कूल से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने जब सबक की थोड़ो रीडिंग करेंगे उसके बाद आपने ये करने, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनसाइडर चैप्टर के जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यूज होंगे वो आप लोगों ने खुद से बना लेने हैं। टिल दैट स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।